अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। इस आयोजन के मुख्य अतिथि महेंद्र मोदी थे, जो लखनऊ से आए हुए थे। इन्होंने जल बचाव की बहुत सारी जानकारियां दी। अब देखते हैं ये किस तरह से लागू हो पाती है या कार्यों में ही। बुंदेलखंड की जल संरक्षण की समस्या में सकारात्मक बातों के साथ साथ नकारात्मक बातों के साथ साथ सकारात्मक बातें भी हैं। नकारात्मक तो ये है कि सब पानी नहीं है सभी जिला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने जल संरक्षण किया है और यह 10 वर्षों से सजल भारत अभियान चलाया है, वह हमें आश्वस्त करता है कि हम बहुत जल्द जल संरक्षण से जल स्तर को आदर्श ऊंचाई तक ला सकते हैं। अच्छी जानकारी है, ऐसी बात नहीं है, पानी को बचाना चाहिए। मगर मेन चीज बढ़ जाती है, प्रधानों पर आ जाता है, जो मनरेगा द्वारा कह रहे हैं, मनरेगा का भुगतान होने का कोई कार्य करा दिया जाता है, सालों पड़ा रहता है। मजदूर जो है प्रधानों की बीजेपी कर रहे हैं। श्रमदान वाली योजना अगर ग्राम पंचायत के प्रधान पर छोड़ दी जाए, जिस हिसाब से कराना चाहे अपना करा सकता है, ग्राम प्रधान करा ले जाएगा। लेकिन उसमें जब शासन प्रशासन आगे डालेगा कि आप ये जेसीबी नहीं लगाएंगे, आप ट्रैक्टर नहीं लगाएंगे, तो क्या वो तसले से घर में काम धोके ले जाएगा? नहीं धोके ले जाएगा। नहीं हो पाए ये सब। देखिए कागजों में तुम कह रहे हैं, लेकिन असलियत पर जमीनी स्तर पर नहीं। इसके पीछे सोच ये है कि यहाँ पाना में जल की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जब मैं यहाँ एक महीने पहले आया और मैंने देखा, उसके प्रति जो सतर्कता सजगता या जो सावधानी होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिला। इसीलिए आज सारे 471 ग्राम प्रधान, सभी सचिव और सभी लेखपाल साहबान को बुला करके ये हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि जो भी समस्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या जल की है, और आप मेरे पास आओ तो जल पर भी चर्चा करो और जल की समस्या से हम सब लोग कैसे मिलकर के इसका समाधान निकालें, मुख्य विषय ये था। और इस पर आज जो देखा गया कि लोगों ने काफी चढ़ भर के भाग लिया। तो जल बचाव की बात चल रही है, वो हो पाएगी जमीनी हकीकत में या नहीं हो पाएगी? जल बचाओ, जब जल ही नहीं है तो बचाओ कहाँ से?